आप सभी को जय मसीह की प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ये एक ऐसा उपवास है कि आपकी ज़िंदगी की सब प्रकार की कमजोरियाँ आपकी ताकत में बदल जाएंगी। ये हकीकत है मेरे भाई और बहनों, आप इस बात को ध्यान धर के सुनना। और अगर आपको उपवास की गहराई के बारे में जानना है कि वो किस प्रकार से रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, कब कब किस तरीके से, क्यों, क्या क्या ज़रूरी है और क्या करना पड़ता है इसमें, ये सारी बातों को जानने के लिए आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। उपवास को लेकर एक अलग ही प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें सारी उपवास की वीडियो हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और आज हम जानेंगे कि एक ऐसा उपवास जिसके द्वारा हमारी कमजोरियों में परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होगी, जिसमें हमारे हर प्रकार के जो ऐसे काम है, व्यवहार है, या चाहे शारीरिक है, आत्मिक है, आर्थिक है, सांसारिक है, हमारी लाइफ की हर एक वो बात जिसमें हम कमज़ोर पड़ रहे थे या हम गिर रहे थे, मतलब किसी भी प्रकार से हम कुछ ले गए थे, अपने आपको बहुत हारा हुआ सा महसूस कर रहे थे, तो हम अपनी ज़िंदगी के उन हिस्सों में कैसे परमेश्वर की सामर्थ्य और ताकत को देखें। तो ये कुछ तरीका है उपवास रखने का। इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपना कर देखना, खुदा आप काम करेगा। देखो मैं आपको कुछ बातें शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि अगर उन बातों को ज़्यादा खोल कर बताएगा तो समय भी ज़्यादा लग सकता है। और अगर आपको उन बातों के बारे में जानना है, उपवास की पूरी गहराई को जानना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेक करना, ठीक है। तो उपवास कभी भी आप रखते हो तो कितने भी सेकंड का, सॉरी कितने भी मिनट का, कितने भी घंटों का आप रख सकते हो। देखो सेकंड का तो कोई उपवास नहीं होता है, समझ सकते हो, है ना, पलक झपकते ये तो बीत जाता है। तो आप आधे घंटे का भी रख सकते हो, 20 मिनट का भी उपवास रख सकते हो। रखने वाले 6-6 घंटे, 12 घंटे, कोई कोई एक दिन का रखता है, कोई 3 दिन, कोई 40 दिन का, मतलब कई कई प्रकार के उपवास होते हैं। अगर कभी भी आप उपवास रख रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तो अपने उपवास का एक सबसे बड़ा कारण ज़रूर याद रखना। कि कोई रखता है उपवास ऐसे ही, मैंने ऐसे ही रख लिया, कोई कहता है मैंने ऐसे आज मैं उपवास रखूँगा, कोई कहता है आज है ना चर्च जाना है तो मैं ऐसे ही उपवास रखूँगा। देखो ऐसे ही नहीं रखना है, उपवास रखने का एक सबसे बड़ा कारण होना चाहिए। अगर आज आपको लग रहा है आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म सा हो रहा है, बर्बाद सा हो रहा था, या कुछ काम नहीं हो रहा था, सब कुछ कमज़ोरी कमज़ोरी आपको नज़र आ रही थी, आत्मिक रूप में कमज़ोरी, शारीरिक रूप में कमज़ोरी, या धन को लेकर आप कमज़ोर पड़ रहे थे, या किसी भी प्रकार से वचन में, प्रार्थना में, आत्मा में, सामर्थ्य में किसी भी प्रकार से आप कमज़ोर पड़ रहे थे, तो इस प्रकार के उपवास को आप अपनी ज़िंदगी में रख सकते हो। और उन परेशानियों को, उन परिस्थितियों को, उन हालातों को याद करके ही आपको उपवास रखना है। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई बीमार है, तो प्रभु मैं आज का उपवास, या आधे घंटे का उपवास, या एक घंटे का उपवास, या 6 घंटे 12 घंटे, जो भी, कोई दिक्कत नहीं है, आप कितने भी घंटे का उपवास रख सकते हो। और इस चीज़ के अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप उपवास रख रहे हो तो सेपरेटली उस बात को हमेशा याद रखो और उस चीज़ को लेकर प्रभु से कहो, प्रभु देख आज का जो मेरा उपवास है मैंने उस बीमार के लिए रखा है, मैंने अपनी इस कमज़ोरी के लिए रखा है, मैंने अपने इस काम के लिए रखा है, प्रभु आज मैं उपवास इस चीज़ के लिए रख रहा हूँ कि मेरा पति बदल जाए, ये मेरी पत्नी बदल जाए, ये मेरा ये रुका हुआ काम बन जाए, ये मेरा नौकरी खुल जाए, बिजनेस खुल जाए, आज मेरी रुकावटों को ख़त्म करने के लिए मैं उपवास रखता हूँ, आज प्रभु मेरे रिश्ते नाते ठीक हो जाए, मैं उस प्रकार के लिए, उस बात के लिए उपवास रखता हूँ, प्रभु आज मेरा रिश्ता तेरे साथ अच्छा हो जाए, प्रभु मैं सामर्थ पाऊँ, अभिषेक पाऊँ, उपवास रखता हूँ। ये कारण होना ज़रूरी है, ये नहीं कि हम बिना किसी कारण उपवास में भूखे रहकर घूम रहे हैं और अपनी दुनिया भी काम करने में बिजी है और दुनिया को गा गा के बता रहे हैं हम कि मैंने उपवास रखा है, नंगे पैर घूम के दिखा रहे, नहीं, ये सब बहाने हैं, ये सब दिखावा है। हकीकत क्या है? उपवास का मतलब है कि अपने लिए मरना, खुदा के लिए जीना, अपने जीवन से खुदा के नाम को महिमा देना और प्रभु की उपस्थिति और संगति में बने रहना। एक सच्चा उपवास वो है जब हम अपनी जुबान पर लगाम लगाते हैं, अपने सब प्रकार की अभिलाषाओं से अपने आप को रोके रखते हैं। ये हकीकत है। देखो जैसे मान लो अब आज आपको उपवास रखना है कि जिन जिन बातों में आप कमज़ोर पड़ रहे थे, ये आज का टॉपिक ये है कि आप आत्मा में कमज़ोर पड़ रहे थे, वचन पढ़ने में कमज़ोर पड़ रहे थे, प्रार्थना आराधना में नहीं बैठ पा रहे थे, या आपको नींद आ रही थी, आपकी कमज़ोरी किसी भी प्रकार की है, धन को लेकर आप कमज़ोर पड़ रहे थे, आपकी धन की घटी है, या शारीरिक रूप से आप कमज़ोर पड़ रहे थे, बॉडी में पेन, बॉडी की समस्याएं, या आप शरीर की बातों को लेकर इतना परेशान है कि बहुत लंबे समय से आप जूझ रहे हैं और जिसके कारण आप प्रभु के साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं, आराधना प्रार्थना में आप आ नहीं पा रहे हैं, शरीर की बातों को लेकर, शरीर को लेकर कमजोर पड़ रहे हैं, आत्मा में कमजोर पड़ रहे हैं, आपका विश्वास डगमगा रहा है, विश्वास में गिर रहे हो, तो आप किसी भी प्रकार की अपनी जिंदगी की कमजोरियों के लिए, जिन बातों के कारण आप गिर रहे हो, खुदा से दूर हो रहे थे, या कुचले जा रहे थे, या पिस रहे थे, या और आंसुओं में आ रहे थे, और तकलीफों में आ रहे थे, तो उन सब प्रकार की कमजोरियों के लिए आज इन बातों को जानकर आज उपवास रखने की आप कोशिश करना। उपवास आप किसी भी दिन, किसी भी समय, कितने भी घंटे का कर सकते हो, कितने भी दिन का कर सकते हो, इसका कोई दिन निर्धारित नहीं है,
ध्यान रखना कि हम वीरवार को करते हैं, संडे को करते हैं, संडे को ही करना चाहिए, वीरवार संडे मंडे ट्यूसडे को ही करना चाहिए, इस दिन उपवास होते, नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है बाइबल के अंदर। बाइबल में लिखा है उचित उपवास, उपवास के तौर तरीके कैसे, क्या कब, किस तरीके से कैसे करना चाहिए, ये चीज़ प्रभु का आत्मा हमें सिखाता है। देखो, उपवास का कोई दिन निर्धारित नहीं है, हम कभी किसी भी समय कर सकते हैं। उपवास के तरीके क्या है वो खुदा ने हमें बता रखा है। एक उचित उपवास क्या है जो खुदा को ग्रहण योग्य हो, समझना। आज हम दुनिया के लोग, आज हम विश्वासी लोग उपवास तो रख रहे हैं कि इस बात का उपवास, उस बात का उपवास, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी कुछ हमें विषय ही नहीं पता है, फिर भी भूखे होकर घूम रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं मैंने उपवास रखा है। सच्चाई है, समझने की कोशिश करना इस बात को कि हम उपवास तो रख रहे हैं, लेकिन क्या वो उपवास हमारा परमेश्वर के ग्रहण योग्य है, हमारा कौन सा उपवास परमेश्वर के ग्रहण योग्य होता है, इस बात को लेकर एक प्रभु का आत्मा जब अगुवाई करे तो आपको इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा जिसको आप गहराई से समझ पाओ। क्योंकि आज हम दुनिया के लोग, आज हम विश्वासी लोग भी उपवास रखे जा रहे हैं और अपनी जिंदगियां जिए जा रहे हैं और हम सोचते हैं कि प्रभु हमारा उपवास ग्रहण करेगा, बहुत बड़े धोखे में। और इसलिए लिखा है कि धोखा ना खाओ, बाइबल में साफ लिखा है कि धोखा ना खाओ। हम सोचते हैं कि सब कुछ हम बेस्ट कर रहे हैं और सही चल रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने आप को धोखा देते हैं। खुदा को तो धोखा कोई दे नहीं सकता, लेकिन मेरे भाई और बहनों, कहीं ना कहीं प्रभु आज हमें सेला लगाकर कहता है, रुकने के लिए कहता है, एक बार जांच अपने आप को, करेक्ट कर कि तू क्या सही चाल चल रहा है या अपनी जिंदगी जिए ही जा रहा है सेम कॉपी पेस्ट वाली जिंदगी, कुछ बदलाव नहीं, कुछ चेंजेस नहीं, कोई बढ़ना नहीं, कोई आगे उठना नहीं, कोई ऊपर बड़े बड़े कामों को करने के लिए कोई इच्छा नहीं रखनी, या सिर्फ सेम वही जिंदगी जिए जाना, कोई बदलाव नहीं, कुछ बुराइयों को छोड़ना नहीं, सिंपल उपवास रखना, भूखे रहना, काम करना, प्रार्थना करना, आराधना करना, सो जाना, बस यही चल रहा है। प्रभु आज हमें एक मिनट फुल स्टॉप लगा के जिंदगी के अंदर एक हल्का सा, हमें एक छोटा सा कोमा लगा के प्रभु हमें सोचने का मौका दे रहा है कि मेरे बच्चे जो तू कर रहा है क्या वो मेरे ग्रहण योग्य है या नहीं है। तो आज अगर आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई भी कमजोरी है, उन बातों को आप याद करके उपवास रख सकते हो। जब भी आप कभी उपवास रखो तो सबसे पहले, हो सके तो अगर आप नहा सको तो नहा लो, आपकी मर्जी, नहीं नहाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप मुंह धो सको तो धो लेना, अगर नहीं भी धो रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप उपवास रख भी रहे हो तो, अगर आप घर में ही हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मुंह धो लोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा, ताकि अगर कोई थर्ड पर्सन आपके घर में आता है, अगर आपका मुंह ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बीमार हो, लाचार हो, परेशान हो, तो कोई आपसे पूछ ना ले कि तेरी तबीयत कैसे खराब हो रखी है, तेरे बाल ऐसे, तेरा मुंह कैसा हो रहा है, कोई चार क्वेश्चन ना पूछे, जैसे झट से कोई पूछे तो कोई आपके मुंह से उस उपवास की बात को निकलवाने ना पाए, कहीं आपके मुंह से धो धो करके ये लंबी लंबी बातें ना निकले, मैंने तो उपवास रखा है, मैं तो ये करूँगा वो करूँगा, नहीं। क्योंकि लिखा है, अगर हम पढ़े वचन में, कि तेरे मुंह पर उदासी ना छाई रहे जब तू उपवास करे, इसलिए तो अपने मुंह को धो ताकि लोग नहीं वरन परमेश्वर तेरा पिता तुझे उपवास ही जाने। अगर हम लोगों को दिखाएंगे नंगे पैर घूम के, माथे पे लंबा सा टीका लगा के, या मतलब मेरे को भाई भूख लग रही है, भाई मैंने उपवास रखा है, पता है बहन मैंने उपवास रखा है, पता है सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैंने उपवास रखा है, अरे तेरी शक्ल कैसी हो रही है, अरे मैंने उपवास रखा है ना इसलिए ऐसी हो रही है, कुछ खाया कहाँ है, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, मैंने उपवास रखा है ना, ऐसे उपवास, ये ड्रामे वाले उपवास खुदा को पसंद नहीं है, इसमें हम अपनी देह को खामखा दुख देते हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है कि जब तू उपवास रख के अपने मुंह को पानी से धो ले, धोने का मतलब यह है कि लोग हमें आलसी या कमजोर या किसी प्रकार से ऐसी कोई बात, ऐसी कोई फेस एक्सप्रेशन हमारे चेहरे में, हमारी बॉडी में दिखाई ना दे कि हम बहुत ज्यादा ढीले पड़ रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, कि कोई हमसे पूछे तो तुरंत उसको हम बता दें कि मैंने उपवास रखा, नहीं। प्रभु ये चीज बिल्कुल नहीं चाहता है कि हम अपने अपने बारे में पूरी बातों को खोल कर रख दें सामने किसी के। ध्यान से समझना इस बात को, अगर कभी भी आप उपवास रख रहे हो तो थोड़ा सा पानी मारने में कुछ नहीं जा रहा है, अगर पानी मार लोगे, अगर चार लोग देखेंगे भी तो कोई ये नहीं जानेगा कि तू सोकर उठा है, तूने उपवास रखा है, नहीं रखा। देखो, दो लोगों में अलग ही फर्क दिख जाएगा, दो भाई हैं, दोनों सोकर उठे हैं, एक ने मुंह से मुंह धोकर उपवास रखा है, दूसरे ने भी उपवास रखा लेकिन उसने मुंह नहीं धोया है। अब अगर कोई बाहर से आया तो वो जो बाहर से आया वो इसी बात को हाईलाइट करेगा कि तेरा चेहरा कैसे हो रहा है, तेरी नींद पूरी नहीं हुई, चार भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन जिसने मुंह धो रखा है उससे कोई इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो शुरुआत से ही फ्रेश दिखाई देगा, ताजगी दिखाई देगी उसके चेहरे पे। तो इसीलिए हमें ऐसे ड्रामे नहीं करने हैं कि हाँ भाई मैंने उपवास रखा, ये रखा है, वो रखा है, चार लोग पूछे मुझसे और चार लोगों में खुलकर बताऊं भाई मैं तो उपवास भी रखता हूँ, नहीं। खुदा कोई शोफ वाले काम पसंद नहीं है, इसलिए प्रभु कह रहा है कि तो अपने मुंह को धो। और भी बहुत गहरी बातें इन चीज़ों को लेकर, अपने मुंह को धोना है, धोना जरूरी है। देखो, धोने में कुछ नहीं जा रहा है, इतना तो हम कर सकते हैं, है ना। मुंह के धोने का कई सारे कारण है, लेकिन एक छोटा सा कारण ये भी है कि अगर हम मुंह को धो लेंगे ना तो हमारे चेहरे पर ताजगी दिखाई देगी और हमारा चेहरा ऐसा दिखाई नहीं देगा कि हम थके हुए हैं, कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। इसीलिए प्रभु कहता है कि अपने मुंह को धो। और भी बहुत से कारण है, लेकिन एक छोटा सा कारण ये बताया जा रहा है इस मुंह को धोने का, कि तू अपने मुंह को धो और अपने सर पे तेल मल।
जब भी आप उपवास रखो तो अपने मुंह को धोकर सर पे तेल मलना, थोड़ा सा हाथ में लेकर सरसों का तेल हो, नारियल का तेल हो, कोई भी तेल हो, आप उसको हाथ में लेकर प्रार्थना करके, प्रभु प्रार्थना से शुद्ध करता हूँ उस तेल को, प्रार्थना से ब्लेस करता हूँ तेरे लहू के सामर्थ्य, तेरा अभिषेक इस तेल में आ जाए, और इस तेल को मैं अपने सर पे लगाता हूँ, सर पे लगाती हूँ। और जब आप अपने सर पे तेल लगाओ, देखो उसके बारे में बहुत गहराई बात गहराई से बता रखा है अगर आप उन वीडियोज़ को देखोगे, लेकिन आपको अभी शॉर्ट में बताया जा रहा है। तो जब भी आप सर पे तेल लगाओ तो ध्यान रखना, जब भी आप तेल लगा रहे हो, तेल लगाने का मतलब यह है कि अपने आप को संसार से अलग करना और अपनी अभिलाषाओं के लिए ना जीकर वरन प्रभु की महिमा के लिए जीना। चाहे भले ही उस दिन आप गाली बकते हो, झूठ बोलते हो, चोरियां करते हो या कोई गलत और गंदे काम करते हो, तो आपको जिस दिन आपने उपवास रखा है उस दिन ये सब काम नहीं करने हैं। उसका मतलब होता है तेल लगाना और अपना क्रूस उठाना, समझना इस बात को। अगर आप अपने सर पे तेल लगा रहे हो तो आप संसार का सदृश नहीं बन सकते। चाहे भले ही सारे दिन आप कुछ भी कर रहे थे, लेकिन जिस दिन आपने उपवास रखा, जिस घंटे जिस टाइम में आपने उपवास रखा, वो समय आपका पवित्रता ही सच्चाई खराई से बीतना चाहिए, वो समय परमेश्वर की उपस्थिति में, वो समय प्रार्थना के द्वारा, वचनों के द्वारा, आराधना के द्वारा बीतना चाहिए। ये चीज़ कोशिश करनी है। अगर आपको लग रहा है कि आपने उपवास रखा लेकिन आप काम धंधा कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुँह से छल की बात ना निकले, लेकिन उस समय कोशिश करना कि हमारा होठ चलते रहें, प्रार्थना चलती रहे, या मन में हम आराधना सुनते रहे, या कानों में आराधना सुनते रहे, या आराधना गाते रहे। सुनना ही नहीं वरन गाना जरूरी है, हमें अपनी आराधना नहीं करवानी है, वरन हमें अपने मुंह से परमेश्वर की आराधना करनी है। मतलब किसी न किसी तरीके से हमें प्रभु के साथ कनेक्शन में रहना है। ये नहीं कि मैंने उपवास रख लिया लेकिन जा रहा हूँ मैं दूसरों दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने, फुटबॉल खेलने, या टीवी मूवी सीरियल्स वगैरह देखने के लिए, कोई फायदा नहीं ऐसा उपवास का, ड्रामे ड्रामे। खुदा को ऐसे उपवास पसंद नहीं है। किसको दिखा रहे हैं? शो ऑफ करने वाली बातें हैं। हम अपने देह को भी दुख दे रहे हैं इसके अंदर, बिना मतलब मैं भूखे रहकर दिखा रहे हैं। इससे ना तो अपने को फायदा है, ना खुदा को फायदा है, नुकसान ही था अपना। क्योंकि खामा का भूखे रहकर चक्कर वक्कर आ गए, खामा का कहीं ठुक ठुक आ गए तो अपना ही नुकसान था। हकीकत है शैतान को भी मौका नहीं देना है। और उपवास को लेकर बहुत से लोगों को शैतान ने ऐसे भरमाने की कोशिश करी है, अरे तू उपवास रख, तू कमजोर है ना, कोई दिक्कत नहीं, तू उपवास रख ठीक हो जाएगी। हालांकि हो सकता है, हालांकि उपवास के अंदर इतनी सामर्थ होती है कि प्रभु हमारी कमजोरियों में अपनी सामर्थ को सिद्ध करता है, लेकिन कई बार शैतान भी ऐसे वचन से भरमाता है कि कई बार ऐसा भी होता है। समझना इस बात को, यह हकीकत है। बहुत से लोगों ने ऐसे उपवास रखने की कोशिश करी है कि मैं उपवास रखूंगी, मैं तो भूखा रहूंगी, नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी जबरदस्ती रह रहे हैं। पता है शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन फिर भी घंटों तक एक एक दो दो तीन तीन दिन का उपवास रख रहे हैं। समझने की कोशिश करना, तो उनकी हालत इतनी बेकार हो गई थी उपवास रखने के द्वारा ही। क्यों? क्योंकि उन्होंने शैतान को मौका दे दिया। जब उनको पता है कि शरीर अलाउ नहीं कर रहा है, शरीर जवाब दे रहा है, शरीर अलाउ कर सकते हैं इसे दो घंटे का या चार पाँच घंटे का, छः घंटे का उपवास रखने के लिए, लेकिन इंसान रख रहा है बारह बारह घंटे या चौबीस चौबीस घंटे या दो दो तीन तीन दिन के लिए भूखा रह रहा है, तो क्या फ़ायदा उस उपवास से? एक तरफ हम उपवास रखने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर शरीर पर ही अटैक हो रहा है उपवास के द्वारा, अगर शैतान इस चीज़ के अंदर फ़ायदा उठा रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी अपना नुकसान करने वाली बात है। समझना, उपवास के तरीके हमें बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना है। अगर मुझे लग रहा है, समझने की कोशिश करना, देखो अगर मुझे लग रहा है कि मैं 8 घंटे भूखा रह सकता हूँ, तो मुझे कोशिश करनी है कि भाई जितना हो सके मैं उतना उपवास रखने की कोशिश करूँ, जितना हो सके उतना मैं उतने घंटे उपवास रखने की कोशिश करूँ, और प्रार्थना आराधना में लौलीन हो, या फिर अपने जुबान पर चुप्पी लगाकर लगाम लगा के किसी न किसी तरीके से अपने आप को पाप से बचाए रखूं जब तक मैं बचा सकता हूं। लेकिन जब मुझे लग रहा है कि मेरे को कमजोरी हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, गिरने पड़ने वाली हालत हो रही थी, या कुछ गलत हो सकता है, तो अगर वोमिट होने को या कुछ भी गलत होने को था, कुछ भी नेगेटिविटी होने को थी शरीर को, तो उससे पहले मुझे उपवास को तोड़कर प्रार्थना करके खाना खा लेना है। क्योंकि शैतान को मौका नहीं देना, दूसरों को देखा देख नहीं करना है, होड़ नहीं करनी है किसी की। क्योंकि शैतान भी कई बार ऐसे भरमाता, देख उसने एक दिन करा तेरे से तो 8 घंटे का भी नहीं रखा गया, अरे तो तू और रह लेगा, पेट में दर्द हो रहा है और रह लेगा, उल्टियाँ आ रही हैं और रह लेगा उपवास में। ये शैतान की चालें होती हैं। ध्यान रखना, उन्हें शैतान के काम है कि शरीर के ऊपर ऐसा अटैक करे कि दोबारा वो 8 घंटे का 1 मिनट का भी उपवास ना रख पाए। शैतान भी बहुत चालाक है, कई लोगों को उसने ऐसे गिराने की कोशिश करी है, अरे तू रख लेगी उपवास, रख लेगी, रख रख रख। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई और बहनों, उपवास की तो हमें ज़रूरत है, एक मसीह व्यक्ति की ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए उपवास, लेकिन इसको भी शैतान कई बार हथियार बनाकर इस्तेमाल करता था। समझना, बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ़ों को भी उठाया था, कि कोई बीमार पड़ गया, कोई 2 दिन के लिए बीमार पड़ गया, कोई 3 दिन के लिए बीमार पड़ गया, कोई इतना कमज़ोर हो गया कि खाए नहीं जा रहा, वोमिट, तबीयत खराब हो गई, दवाई लानी पड़ गई, उपवास ऐसा रखा। ज़बरदस्ती नहीं करनी अपने शरीर से। अगर आपको लग रहा है कि आप भूखा रह सकते हो 2 घंटे तो कोशिश करो, अगर नहीं रह सकते तो भाई प्रार्थना करके खा लो, ज़बरदस्ती नहीं है कोई। अगर आप
भूखा रहकर और ओवर लिमिट जा रहे हो, अगर आपसे भूखा नहीं रहा जा रहा है लेकिन फिर भी आप रह रहे हो, चक्कर पे चक्कर आ रहे हैं, उस समय आप चोट खा रहे हो, तो क्या खुदा को वो उपवास ग्रहण होगा कि मेरा बच्चा टप्पे खाते हुए, चोट खाते हुए, सर फुटवाते हुए, एक दूसरे की बुराई सहते हुए, या फिर मतलब एक दूसरे की ऐसी बातें सहते हुए कि ऐसा उपवास रखा या खुदा के नाम खराब होने वाली बात है, तो क्या खुदा इस उपवास को ग्रहण करेगा? इसमें चार लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है, इसने तो मसीह का उपवास रखा है जब इसकी हालत ऐसी हो गई, ये तो प्रभु का उपवास रखती है, इसकी तबीयत तो खराब होनी नहीं चाहिए थी, वैसे तो बड़ा प्रभु करती है करता है, आज इसकी तबीयत कैसे खराब हो गई? शैतान को भी मौका ना मिलने पाए कि खुदा के नाम पर या वचन पर दोष लगाए। ध्यान रखना इस बात का, शैतान बहुत चालाक है। तो इसीलिए कभी भी आपको कोई उपवास रखना है, समझकर बुद्धि और आत्मा से काम लेना है। अगर आपको लगता है कि आप 2 घंटे तक या 1 खाने तक आप भूखा रह सकते हो तो ही रहना, और जब आप रहते हो अगर आपको उपवास तोड़ना है तो एक छोटी सी प्रार्थना करना, हो सके तो एक वचन पढ़ना, अगर पढ़ सकते हो अगर आपके पास मौका है तो पूरी कोशिश करना एक वचन पढ़ना, और उसके ऊपर छोटा सा मनन करने की, उसके अगर नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करना अपनी तरफ से बेस्ट की, छोटा सा वचन पढ़ो और उसके बाद एक छोटी सी प्रार्थना करो। प्रार्थना करने के बाद जो भी खाने पीने की चीज़ है उसको शुद्ध करो प्रार्थना से, प्रभु तेरे लहू से मैं इस खाने पीने की वस्तु को मैं शुद्ध करती हूँ, मुझे कोई नुकसान ना होने पाए, जब मैं इसको खाऊं जो बल बुद्धि ताकत मिले तेरे लिए इस्तेमाल हो, और प्रभु जो मैंने आज उपवास रखा है कि मेरी कमजोरियों में तेरी सामर्थ्य दो, जिस भी बात को लेकर मैं रो रहा था, बिलख रहा था, कमजोर था, शरीर प्राण और आत्मा में, वचनों में, प्रकाशनों में, आत्मा में, भरपूरी में, चंगाई में, छुटकारे में, जिन बातों को लेकर मैं विश्वास में गिर रहा था, कमजोर पड़ रहा था, प्रभु आज मेरा छोटा सा उपवास तेरे ग्रहण योग्य हो, प्रभु तू स्वीकार कर और मेरी निर्बलता में, मेरी कमजोरियों में तेरी सामर्थ को सिद्ध कर। ये कुछ तरीके हैं, जैसे ही आप ये प्रार्थना करो, जिस कार्य के लिए आपने उपवास रखा, जैसे ही आप ये वाली प्रार्थना करो, जिस बात के लिए आपने उपवास रखा है, जब उस बात के लिए आप प्रार्थना करो, प्रार्थना करने के बाद धन्यवाद करके आमीन कहकर आप भोजन खा सकते हो, प्रभु को बुला सकते हो, प्रभु मेरे साथ खाएं, बस ये तरीका है। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों के द्वारा खुदा बाप आज हमें सिखाता है कि उपवास के तरीके क्या हैं, कैसे रखना है और किस किस तरीके से रखा जा सकता है। सबसे मेन चीज़ उपवास रखते समय एक कारण होना चाहिए कि किस बात के लिए हम भूखे रह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, जब भी हम उपवास रख रहे हैं हमारी ज़ुबान पर हमें लगाम लगाना है, शो ऑफ नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है, और अपनी ज़ुबान पर लगाम लगाना है, हमारे मुंह के शब्द थोड़े ही हों, कहीं एक तरफ हमने उपवास रख लिया भूखे रह रहे हैं, दूसरी तरफ गाली गलौज कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, एक दूसरे की कमियां निकाल रहे हैं, एक दूसरे के बारे में निकम्मी व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, ठट्ठे की बातें कर रहे हैं, ये फालतू की टीवी सीरियल्स फोटोज वीडियोज़ में ध्यान लगा रहे हैं, ना कि प्रार्थना में, ना आराधना में, ना वचन में, ना प्रकाशन में, ना संगति में, ना आराधना में, ना प्रार्थना में, कोई फायदा नहीं ऐसा उपवास रखने का, मत रखना इससे बढ़िया। 1 साल तक भी अगर ऐसा उपवास रख लेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है। मैं गवाही देना चाहता हूँ, समझना इस बात को, जब परमेश्वर की महिमा के अनुसार जब हमने आधे घंटे का भी उपवास रखा है, 1 घंटे का उपवास रखना है, हमने अपनी ज़िंदगी में 1 घंटों के अंदर चमत्कार देखे हैं, 1 घंटे के उपवास में भी खुदा बाप ने काम किया है, लेकिन अगर उसको सही रीति से रखा जाए तो। लेकिन अगर 1 साल का भी उपवास इंसान वैसा रख लेगा अपनी दुनियावी तौर तरीके से तो उसको फायदे क्या है, सोच समझ सकते हो इस बात को। अगर मैं भूखा रह रहा हूँ लेकिन मैं व्यभिचार कर रहा हूँ, गाली गलौज कर रहा हूँ, गलत गंदी चीज़ें देख रहा हूँ, तो वो उपवास नहीं है। उसको 1 साल का 10 साल तक रख लो तो भी कोई फायदा नहीं है, समझने की कोशिश करना। लेकिन अगर मैं 1 घंटे का भी उपवास तरीके से रख लूँ, तो वचन में लिखा है एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। अगर मैंने 1 घंटे का भी उपवास रख लिया तो टाइम नहीं लगेगा रुकावटें खत्म होने में, शैतान को, दुष्ट आत्माओं को निकलने में, बीमारियों से चंगाई पाने में, छुटकारे पाने में। कई बार हमारे उपवास में भी ऐसी गड़बड़ी हो जाती थी, कई बार हम सही से नहीं रख पाते थे, कई बार हम शैतान के भरमाने में आ जाते थे, कई बार शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर लेता था उपवास को लेकर। समझना इस बात को, जैसे किसी बहन ने, किसी भाई ने उपवास रखा है, उसने रात को या सुबह उपवास रखा तो दोपहर में उसके साथ ऐसा कुछ हो गया, उसके परिवार वालों को ही शैतान ने इस्तेमाल करने की कोशिश, हालांकि कोई मनुष्य बुरा नहीं है, लेकिन उसके घर में कुछ ऐसी परिस्थिति होगी कि जिसने उपवास रखा है उसके मुंह से कुछ गाली गलौज निकल गया, कुछ गलत निकल गया, कि वो कुड़कुड़ आ गया। तो ये सारी चालें शैतान की होती है कि इसको उपवास में खराब करो। तो उस समय आपको अपनी जुबान पर लगाम लगानी है, उस घड़ी तक, उस पल तक, जब तक आपका उपवास पूरा नहीं होता तब तक क्या, वरना उसके बाद तक भी, जब तक आपकी जिंदगी में चमत्कार ना आ जाए जिस बात के लिए आपने उपवास रखा है, आपको चुप्पी लगाकर रखनी है। ये तरीके हैं, क्योंकि शैतान उपवास के द्वारा पाई हुई सामर्थ्य और अभिषेक को खराब करना चाहता है, और उस अभिषेक के कारण बंधन टूटते हैं, जूहे टूटते हैं, और रुकावटें खत्म होती हैं। हर वो काम होता है उस अभिषेक के द्वारा जो मनुष्य नहीं कर सकता, वरन परमेश्वर की ओर से होता है। तो मेरे भाई और बहनों, अगर आप किसी भी बात को लेकर कमजोर हो तो आज उस परमेश्वर की सामर्थ्य, उस उपवास की उस सामर्थ्य को पुकारना और सच्चाई से उपवास रखना, अपने हिस्से का खाना अगर हो सके तो किसी को देना, अगर आप नहीं भी दे पा रहे हो तो अपने घर बैठकर सिर्फ प्रार्थना भी कर सकते हो, दूसरों के लिए मुंह खोलना, अगर आपके पास समय है तो एक ये भी बहुत सामर्थ्य तरीका है। कभी भी आप उपवास रखते हो
जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर, जैसे आज ही आपको बताया जा रहा है कि अपनी कमजोरियों में, जिन बातों को लेकर कमजोर थे, कुछ लेकर थे, समस्या में थे, परेशानी में थे, दुखों में थे, आंसुओं में थे, अगर आप इन चीजों को लेकर बहुत परेशान हो कि आप बहुत लंबे समय से छुटकारा नहीं पा पा रहे हो, तो एक ये भी बहुत बहुत प्यारा तरीका है, एक पेपर लेना, उस पर अपनी उन सारी बातों को लिखना जिन बातों से आप दुखी हो, उन बातों को लिखना। लिखने के बाद आप उस पर हाथ रख के दुआ करना, प्रभु आज मेरा उपवास तेरे ग्रहण योग्य हो, आज मैंने इन बातों से जो उसमें लिखी हुई है, इन बातों से छुटकारा पाने के लिए आज मैंने उपवास रखा है, उस पर हाथ रख के दुआ करना। ये तरीका है, चाहे आप एक घंटा करो, चाहे आप आधा घंटा करो, आधे घंटे का उपवास हिलाकर रख देगा अगर आप तरीके से रखो, सच्चाई बता रहा हूँ, हिलाकर रख देगा। मेरे भाई और बहनों, आधे घंटे का उपवास अगर अपने आत्मा से भरकर आंसुओं के साथ प्रार्थना कर दी, तो लिखा है टूटा और पिसा मन परमेश्वर के ग्रहण योग्य बलिदान है। जब जब उसके लोगों ने उसकी दुहाई दी, चिल्लाहट परमेश्वर के कानों पर पहुंची और लिखा है यहोवा अपने स्वर्ग को झुका कर नीचे उतर आया। मेरे भाई और बहनों, प्रभु काम करता है, ये तरीके हैं, हमें तरीका नहीं मालूम है। दूसरा, अगर आपको लिखने पढ़ने नहीं आता है, जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं, वो भाई बहन भी, मतलब जिसको कुछ पढ़ने लिखने नहीं आता है, तो वो भी इस तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं, जैसा भी बताया जा रहा है कि आप घुटनों के बल बैठे हो, आप मान लो 15 मिनट के लिए, 20 मिनट, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आपने उपवास रखा है, तो उसमें जब आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना करते समय अपनी आंखों को बंद करना है, अपने हाथों को ऊपर उठाना है, हाथों को ऊपर उठाने के बाद ये सोचना, बस अपने मन में ये सोचना कि आपके हाथ के अंदर ना एक कटोरा आ गया है, स्वर्ग से एक कटोरा आया है, और उस कटोरे के अंदर आपको अपनी सारी चिंता परेशानियां डालनी है, बीवी की चिंता, नौकरी की चिंता, सीधे हाथ से उस कटोरे टोकरे के अंदर डालना, अपने मन के अंदर सोच सोच कर इस बात को, प्रभु ये जो स्वर्ग से कटोरा तूने मेरे हाथ में दिया है, इस कटोरे के अंदर प्रभु मैं अपनी पढ़ाई लिखाई की चिंता, मेरे पति पत्नी की चिंता, मेरे रिश्ते नातों की चिंता, मेरे नौकरी की, मेरे बिजनेस की चिंता, और मेरे बीमारी की चिंता, मेरी परेशानी की चिंता, मेरी घटी की चिंता, मेरे नौकरी की चिंता, मेरे बिजनेस की चिंता, मेरी शादी की चिंता, प्रभु इस टोकरे के अंदर मैं अपने मकान की, नौकरी की, माता पिता की, और सब प्रकार की चिंता, और जो मेरे पति की कमजोरियां, मेरे पति की अभिलाषाओं वाली बातों को लेकर, प्रभु मेरे पति की जो नशे पत्ते वाली चिंता, इन सब चीजों को, चिंता को प्रभु मैं इस टोकरे में डालती हूँ, जो मेरे पति, मेरे बच्चे, ये घर में जो भी नशे पत्ते करते हैं, इन बातों को लेकर जो मेरे मन में चिंता है, इन चिंता को भी प्रभु मैं इस टोकरे, इस कटोरे में डालती हूँ जो तूने स्वर्ग से मेरे हाथ में रखा है। प्रभु इस कटोरे को मैं तेरे चरणों में रखती हूँ। फिर घुटनों के बल आप बैठे हो, ये सब आंखें बंद करके करना है, हकीकत वाला कटोरा नहीं लेना है, ध्यान रखना, हकीकत में कोई कटोरा बर्तन वगैरह लेकर मत बैठ जाना, ऐसा नहीं है, समझना इस बात को, ये आत्मिक रूप से करना है, आंखें बंद करके सिर्फ आपको मन में विचार करना है और मुंह से अंगीकार करना है कि प्रभु इस कटोरे के अंदर मैं अपने रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बिजनेस, धन, तन, मन की सब प्रकार की चिंता और परेशानियों को, जिन बातों से मैं आंसुओं में हूँ, जिन बातों के लिए हमारे घर में कलेश, टेंशन, चिंता, परेशानी होती है, बातें बिगड़ती हैं, घर टूट रहे, परिवार टूट रहे, कोर्ट केस, ये वो, इन सब बातों की चिंता और प्रार्थना के विषय को प्रभु मैं तेरे टोकरे में डालती हूँ। और दोनों हाथों को ना ऐसा सोचना कि प्रभु ये दो आपके, ऐसा सोचना कि आपके हाथों में एक कटोरा है, उस कटोरे के अंदर वो सारी प्रार्थना के विषय हैं, सारी चिंताएँ, परेशानी हैं, और बोलना प्रभु देख तेरे ही वचन में लिखा है कि अपनी सारी चिंता और अपना बोझ मुझे दे दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। प्रभु तेरे इस वचन के अनुसार मैं तुझे सारी अपनी चिंता और बोझ आज मैं तेरे चरणों में रखती हूँ, प्रभु तू इस बोझ को उठा ले। उसके बाद बोलना प्रभु तेरे लहू से तूने मुझे आज़ाद कर दिया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ तूने मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया, धन्यवाद करना। अगर आपको और प्रार्थना करनी तो कर सकते हो, लेकिन उसके बाद कभी कोई गलत अंगीकार मत करना, बस विश्वास करना आपने जब अपनी चिंता दे दी है तो प्रभु ने उठा लिया है। फिर उसके बाद में मत बोलना ये कैसे होगा, ये तो टेंशन रहती है, वो रहती है, फिर हमने दिया ही क्या है। अगर हम बार बार थोड़ी देर बाद ही मुंह से बोलने लग गए ये टेंशन हो गई, वो टेंशन हो गई, ये कर दिया, वो कर दिया, ये तो बदल नहीं रहा, फिर हमने प्रार्थना क्यों करी है, समझना। फिर हमने टोकरे में कुछ डाला ही नहीं, फिर तो ड्रामा था, जो हमने करा था वो ड्रामा था, वो तो नाटक था। अगर हमने कराया तो उस चीज़ को हमें ध्यान भी रखना कि हमारे मुंह से कोई ऐसी वैसी बात ना निकले, क्योंकि शैतान बहुत चला के मुंह से गलत अंगीकार करवाना चाहता है, प्रार्थना को कटवाना चाहता है, लेकिन आपको नहीं करना है। तो ऐसा करके आप प्रार्थना करके आमीन कहकर धन्यवाद कर सकते हो, या आराधना में बैठ सकते हो, जितना हो सके उतना बैठ सकते हो, लेकिन अपनी जुबान पर लगाम लगाते हुए, बुराई से दूर हटते हुए, गलत देखने, गलत सुनने, गलत सोच से, गलत शब्दों से दूर हटते हुए, गलत संगति से दूर हटते हुए अपने आप को अलग करके रखना मेरे भाई और बहनों, तब आप खुदा के खुले हुए आकाश को, खुदा के छिदे हुए हाथ को, खुदा की दया, अनुग्रह, करुणा को अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में, अपने घर परिवार, रिश्ते नाते, नौकरी, बिजनेस में, अपनी ज़िंदगी के हर एक हिस्से में देखोगे, ऐसा होगा। ऐसा आप करना शुरू करें, रेगुलर कर सकते हो, कभी भी किसी भी समय कर सकते हो, आधी रात को कर सकते हो, कहीं बैठे बैठे कर सकते हो,
मेरे भाई और बहनों, कहीं भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ये सब चीज़ आपकी, बस आपको मन में करनी है। मान लो उदाहरण के तौर पर मैं बस में बैठा हूँ, ये चीज़ मेरे को पता नहीं थी, अचानक मैंने सुन लिया भाई यूट्यूब पर, तो मैं बस में भी कर सकता हूँ। प्रभु देख, यहाँ पर तो लोग हैं, यहाँ पर देख मैं घुटनों के बल नहीं आ सकता, लेकिन मैं मन में अपने आप को दीन करता हूँ बैठे बैठे। ये नहीं कि बस में सड़कों पर जाकर हम ऐसे काम कर रहे हैं, नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए भी नहीं, दूसरों के ठोकर का कारण भी ना बने, तरीके से चलते फिरते बैठते बैठते भी हम कर सकते हैं। बस मन में सोचना है, प्रभु मैं अपने मन में सोचता हूँ कि सच में तूने मेरे हाथ में कटोरा दिया है, टोकरा दिया है, और प्रभु मेरी सारी चिंता परेशानी को मैं तुझे देता हूँ, आमीन, तूने उठा लिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। नॉर्मल कर सकते हैं, तरीके चाहिए, ठीक है, और किसी के ठोकर का कारण नहीं बनना, किसी को दिखावा नहीं करना, ध्यान रखना। तो मेरे भाई और बहनों, उन बातों का ध्यान रखना, मैं विश्वास करता हूँ आप इस बात का, इस तरीके से उपवास ज़रूर रखेंगे, जिन बातों को लेकर आप बहुत कमज़ोर थे, बहुत गिरे पड़े थे, बहुत आंसू में थे, बहुत दुखी थे, उन कमज़ोरी में परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करेगा, ऐसा होगा, कहो आमीन। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।